জল হোক অথবা স্থল, অথবা হোক না আকাশ, আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সর্বদা সদা তৎপর। এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিএসএফ তৈরি করলো এক নতুন রেকর্ড। রাজস্থানের জয়সালমিরে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে মাত্র 1 মিনিট 45 সেকেন্ডের মধ্যে একটি জিপসি গাড়িকে তারা ডিসঅ্যাসেম্বল করে আবার রিঅ্যাসেম্বল করে আবার সেই গাড়িটাই চালিয়ে দেখালো। আর সেই ভিডিওটাই আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করছি। কমেন্ট বক্সে কেউ জয় হিন্দ লিখতে ভুলবেন না। রাস্তে মে পাথর উঠানা মুশকিল, হটানা মুশকিল, লেকিন রাহত কার্য কে লিয়ে পৌঁছনা ভি নিহায়েত জরুরি। সীমা প্রহরিয়ों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। और घड़ीरी एक एक सुई के साथ हमारा जवान सीमा सुरक्षा प्रहरी आपरी मंजिली तरफ बढ़ने तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कदई कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूं मारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अबार, घोड़ा कैसे उतरे बार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए। जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते बस और ये 1:43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में। बहुत ही शानदार